जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है 11th September 2023, जो कि यहाँ पे डेली बैकग्राउंड डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ जो यहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स होता है, PIB एडिटोरियल, सारी चीज़ें कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्रदान कर दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, डेली करेंट अफेयर्स, सारी चीज़ें जो कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट ये चीजें लगा कि मात्र इनकी 19 ईयर की उम्र है, इस एज में इन्होंने क्या जीता है। तो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टाइटल को यहाँ पे जीतता हुआ इन्होंने नजर आया। तो ये जो US ओपन है आपका, USA में होता है, इनका नाम है कोको गॉफ। ये 19 साल की है मात्र, और यहाँ पे आर्थर एस स्टेडियम कोर्ट में इन्होंने किसको हराया, तो बेलारूस की आर्यन सबालेंका को यहाँ पे हराती हुई नजर आई है। तो ये टाइटल जीत ली है, बहुत खुशी की बात है। देखिए, कोई भी अगर जितना जो मेहनत करेगा उसी तरीके से यहाँ पे जीवन में इनको लाभ मिल रहा है। तो ये US स्लैम की टाइटल को यहाँ पे हासिल करती हुई नजर आ रही है, काफी हैप्पी भी लग रही है। तो हैप्पी हो क्यों ना, क्योंकि इतनी सारी इसके पीछे इन्होंने मेहनत करी है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टॉक टेल कैलेमिटी, इसकी बातें बोली जा रही हैं, यानी जो अभी G20 की सबमिट हुई उसको लेकर के क्या क्या इम्पोर्टेंट इशू निकल के आए, क्या वहाँ पर अचीवमेंट निकल के आए, क्या नए अपकमिंग इशू हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले फोकस किया जा रहा है क्लाइमेट क्राइसिस पे। क्लाइमेट क्राइसिस जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो सीधे सीधे यही चीज़ें दर्शा रहा है कि अगर हम क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, एकजुट होकर के जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस पर अगर ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है हम इस प्रकार की चीज़ों को टैकल करने में सक्षम होंगे। जो कि अगर एग्रीगेट की बात करी जा रही है, कलेक्टिव अप्रोच की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो आपके G20 समिट से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। G20 समिट जो अभी आपका भारत मंडपम में हुआ है, उसे क्या बोला गया है, तो वो आपका दिल्ली डिक्लेरेशंस नाम दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली ये डिक्लेरेशन होने से पहले ही यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक का रिपोर्ट आया है, जिसमें ये चीज़ निकला है कि जो भी G20 मीटिंग यहाँ पे निकल रही है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से चैलेंज यहाँ पे दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे इश्यू भी क्रिएट कर रही हैं। आखिर किस प्रकार से, तो जो ये रिपोर्ट निकला है वो क्या दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कशंस ये जो होने वाला था उसी को लेकर के, यानी G20 के डिस्कशन से पहले ही यहाँ पे रिपोर्ट, कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया हुआ है ये बॉडी। अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे शेड्यूल होने वाला है, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, तो दुबई में ये जो चीज़ें होने वाली है जो आपको पता होना चाहिए, तो दुबई में इसकी होस्टिंग होगी 28th कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, जो इन्वायरमेंट को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के चीज़ें चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। 2015 में जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शपथ लिए थे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर देंगे, तो उस प्रकार की चीज़ें नहीं हो रही हैं। 2015 में पेरिस प्रीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था यहाँ पे, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर लेंगे, वो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस जाने के कगार पे आ चुका है। वही सारी चीज़ें ये रिपोर्ट बोलती हुई नजर आ रही है। तो हम जो अभी G20 की सबमिट किए हैं उसमें क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लेकर के आए हैं, तो हमें किस प्रकार से चीज़ें आगे लेकर के चलती हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो है आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी ह्यूमन को, या फिर फ्लोरा फौना को। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इससे बची हुई हो। हम लोग गैस पे गैस इमिट करते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण जो पेरिस की लिमिट थी ओवरशूट होती हुई नज़र आ रही है। तो इस रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल के
रख दी हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे जाकर के, ये नहीं कि एक एक कंट्री अलग अलग अपना डिफरेंट आइडियोलॉजी एक्टिविटी लेकर के चलें, तो डोमेस्टिक लेवल पे भी एग्रीगेट करके हम लोग कलेक्टिव अप्रोच लाने की बात है। किस प्रकार से हम लोग ग्लोबल हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 43% अगर बात करी जाए तो 2030 तक, 60% 2035 तक और 2050 तक बात करी जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को जीरो करने की बातें बोली गई हैं। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, G20 की जो इनवाइटी कंट्रीज थी उसमें बांग्लादेश था, इजिप्ट था, मॉरिशस था, नीदरलैंड था, नाइजीरिया था, सिंगापुर था, UAE था और ओमान था, साथ ही साथ स्पेन भी था। टोटल 9 कंट्री थी, याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहां से आ सकता है। G20 की डिटेलिंग आपको कई बार दिया हूं, तो एक बार और यहां पे देख लीजिए। ग्लोबल इकोनॉमी पे फोकस करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस क्लाइमेट पे भी 19 कंट्री हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन, प्लस यहां पे अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है G20 की समिट में इस बार। तो ये जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी फिनांस यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसकी जो 80% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को कवर कर रहा है, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया को कवर कर रहा है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हो जाती है इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। तो ये सारी चीजें हैं कंट्री के अगर नाम, तो यहाँ पे मैंने कंट्री के नाम भी पूरे दे दिए हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस करने की बातें करी जा रही हैं इस जो मीटिंग में, कि किस प्रकार से अपने रिसोर्सेस को हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो सोलर आ जाता है, फिर विंड आ जाता है, फिर हाइड्रो आ जाता है, फिर आपका जियो थर्मल आ जाता है, टाइड वेव आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में आ रही हैं। फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेस को कम करने के लिए बात करी गई है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इसका अगर कमी होगा तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं इमिशंस को कम कर पाएंगे, अदरवाइज इमिशंस ऐसे ही चलता रहेगा। और 200 ईयर्स तक बात करी जा रही है, 200 साल तक भी ये चीजें कमी नहीं होंगी। G20 की कंट्री 93% ऑफ द ग्लोबल जो चीजें हैं कोल पावर से ऑपरेट हो रही हैं, 88% की बात करी जा रही है जो अभी प्रोस्पेक्टिव में है यानी आने वाले समय में। तो ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, G20 लीडर्स ये डिक्लेरेशंस जो फॉर्मली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि 5.8 से 5.9 ट्रिलियन तक हम लोग 2030 पीरियड तक यहाँ पे खर्च करेंगे। तो इस चीजों को लेकर के काफी सहमति जताई गई है कि इस पे जो है फिनेंशियल का एक्सपेंडिचर होना चाहिए ताकि जो है इमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। 4 ट्रिलियन पर ईयर की बात करी जा रही है कि एनर्जी टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 2030 तक लाया जाएगा और नेट जीरो 2050 तक। जो ये रिपोर्ट है ये यही सब चीजों पे फोकस कर रहा है कि आप लोग डिफॉरेस्टेशन को यहाँ पे कम करिए, सीधे सीधे रिवर्स करने की बातें बोल रहा है। तो एडॉप्शन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लीजिए या फिर हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल लीजिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करिए। तो यही सब चीजें हैं जो यहाँ पे फोकस करने की बात कर रहा है। सीधे सीधे क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, इन सब चीज पे अगर फोकस करेंगे तब जाकर के हम कहीं ना कहीं कर्टेल कर पाएंगे, किसको, कार्बन इमिशंस को। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, आपको काफी चीजें यहाँ पे बतानी थी। अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें 55 मेंबर हैं, इसकी स्थापना सिरती डिक्लेरेशन लीबिया के अंदर 9 सितंबर 1999 को इसकी भी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा काफी चीजें हैं 1999 में, G20 का भी और अफ्रीकन यूनियन का, दोनों का हुआ है, बस डेट थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। इसकी अगर बात करी जा रही है सीटे डिक्लेरेशन कब हुई, तो ये आपका 9 सितंबर, वहीं पे फाउंडेशंस की बात करी जा रही है तो 26 मई 2001 इथियोपिया में हुई थी। लॉन्च कब किया गया था, 2002 में आपका अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ये चीजें जो है OAU को रिप्लेस की हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो OAU है इसको बंद कर दिया गया कब, 9 जुलाई 2002 में। क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रकार से अफ्रीकन कंट्री और नेशंस में क्या अंतर है आपको बता दें। अफ्रीकन कंट्री जो है
यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिक एथनिक ग्रुप नहीं होती है। जहाँ पे अफ्रीकन नेशंस की बात करी जा रही है तो अफ्रीका की लोकल यहाँ पे कम्युनिटी एथनिक ग्रुप यहाँ पे डोमिनेट होती है। मान लीजिए 60% 70% या 55% एक ही एथनिक ग्रुप यहाँ पे आती है। जैसे कि लेसेतो एक कंट्री है, ये सब कंट्री यहाँ पे आ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं ये सब, जो अपनी ही डोमिनेंट एथनिक ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। उसे अफ्रीकन नेशंस के रूप में, नेशंस के रूप में जानते हैं। जो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें नहीं करते, वो कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो उसपे यूनिटी, कोहेजन, सॉलिडेरिटी, एकता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, इन सब चीज को और सोशियो इकोनॉमिक की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। चलिए दूसरा एडिटोरियल देखते हैं, सबवर्टिंग आइडिया ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी इशू निकल के आ रही है। किस प्रकार से जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस चलाने की बातें बोली जा रही हैं, सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। किस प्रकार से वो इम्पैक्ट करेगा, सारी चीजें देखी जाएगी। क्या क्या कमियां हैं, लूपहोल्स हैं, गवर्नमेंट के क्या इंटेंशंस हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जा रही है तो ये चीजें अगर लागू होंगी तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सारी चीजों को देखा जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि जो ये चीजें डिसमिस करने की बात करी जा रही है, ये तो संभव हो सकता है आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप तो कर सकते हैं, परंतु लेकिन इश्यू क्या निकल के आ रहा है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसको लेकर के बहुत सारी इश्यू लोकसभा स्टेट असेंबली में निकल के आ रही है, बहुत सारे डिबेट भी हो रहे हैं। तो 2024 का इलेक्शन तो सिर पे है, तो यहाँ पे जनरल इलेक्शन जो शेड्यूल किया जा रहा है 2024 में, उसको लेकर के बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी कमेटी बनी है 1999 से लेकर ही कि एक ही साथ पूरे भारत में एक प्रकार से इलेक्शंस कराया जाए, तो कोई नया चीज नहीं है। जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वन टाइम, ये तीनों चीज को एक जगह पे फोकस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे कमेटी बन रही है कि क्या यह सही चीज है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, उसको रामनाथ कोविंद जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत के थे, वो इस कमेटी को हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वन इंडिया डिसीजंस यहाँ पे जो लेने की बात करी जा रही है 2014 में, ये कहीं ना कहीं क्या निकल के आ रहा है, तो ये एक प्रपोजल के रूप में आया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। दूसरी चीज है सेंट्रलाइज पावर करने की भी बातें बोली जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें अगर हो जाएंगी तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है, यानी दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट नहीं, जो दिल्ली में गवर्नमेंट इंडिया की है वो गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाएगी और ज्यादा अपने अंदर केंद्रीकृत पावर कर लेगी। तो जो पावरफुल है एक ही गवर्नमेंट के अंतर्गत हो जाएगी, तो अपनी तो डेमोक्रेटी में डिसेंट्रलाइजेशन की पावर होती है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इमीडिएट पॉलिटिकल पर्पसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो यहाँ पे प्लेस है वो कहीं ना कहीं कोडिफाइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस पॉल्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। यानी एक प्रकार से यहाँ पे सब इलेक्शंस एक ही बार में कराए, चाहे स्टेट का हो, लोकसभा का हो, काउंसिल का हो, सारी इलेक्शंस एक बार में कराने की बातें बोल रहे हैं। जिसके कारण क्या होगा, रीजनल जो एस्पिरेशंस है, जो डिमांड है, नीड है, जो लोकल वहाँ का एस्पिरेशन है, वो कैसे डील होगा। और इलेक्शंस में जो है वो डिमांड के रूप में, यानी आप लोग अपना अपना मैंडेट जारी करते हैं, उसका क्या इश्यू होगा। एक प्रकार से लोकल पीपल की एस्पिरेशंस वहाँ पे मार दी जाएगी। जो यहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट बना के रहेगा, कहीं ना कहीं उसका जो है यहाँ पे ज्यादा बोलबाला हो जाएगा। जो रीजनल पार्टी है उसको यहाँ पे कंसिडर कम किया जाएगा। तो सारी इश्यू निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं, खास करके उनके साथ जो आपके रिलेटिव हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो क्या इम्पैक्ट करेगा, तो किस प्रकार की इम्पैक्ट करेगा, ये तो सब्सटेंशियल जो बॉडी है यहाँ पे बात करी जा रही है, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कमेंटेटर ये पॉइंट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा रैशनल नहीं है। अच्छी चीजें सीधे सीधे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छी चीजें ये नहीं होगी, एक ही बार अगर हम इलेक्शंस देश में करा रहे हैं तो सही बात नहीं होगी। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है इस चीज की, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू कर देते हैं देश में, तो बहुत सारी नकारात्मकता भी देश में आ जाएगी, क्योंकि अपनी देश जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, विविधताओं से भरा है। तो कहीं पे 60 सीट है, कहीं पे
500 सीट है असेंबली में, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। कहीं पे 80 सीट है तो कहीं पे एक ही सीट है, कहीं पे एक भी सीट नहीं है लोकसभा में। तो इस प्रकार की भी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात यहाँ पे करी जा रही है कि किस प्रकार से ये चीजें गवर्नेंस में इम्पैक्ट करेगी, इलेक्शंस में इम्पैक्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है अगर कोड ऑफ कंडक्ट निकलेगा तो उस प्रकार से तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है लोकसभा और राज्यसभा प्लस यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस प्लस म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस प्लस पंचायत इलेक्शंस, सारी इलेक्शंस जो है बात करी जा रही है वो अलग अलग इलेक्शंस होती है। यहीं पे अगर बात करी जा रही है पार्टी की, तो पार्टी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो ज्यादा यहाँ पे अपने चीज को लेकर के इन्फ्लुएंस है। क्यों? तो यहाँ पे सीधे सीधे बात यही बोली जा रही है, आपको बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी करने पड़ेंगे अगर इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को लेकर के आते हैं, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात बोली जा रही है। यहाँ पे आपको चेंज करने पड़ेंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट तो सीधे बोला है, केशव नंदा भारती केस 1973 में ये केस आई थी जिसके कारण आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के लाया था। तो ये चीजें मिनर्वा मिल में भी बोला था कि आप इसको बदल नहीं सकते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और केशव नंदा भारती में भी ये चीजें क्लियरली मेंशन करी थी। तो कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी चीजों को बोला गया है कि हम समय समय पे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप किस प्रकार से बदल रहे हैं, और वो चेक करेगा। कुछ ये पॉइंट आउट भी किया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीजें नहीं हटनी चाहिए। ये सब चीजें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती हैं। तो जो हेट्रोजीनिटी है यही तो हमारी पावर है, डाइवर्सिटी ही तो हमारी पावर है। तो अगर डाइवर्सिटी को ही हटाने का हम बात करेंगे तो किस प्रकार से हमारी चीजें चलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पावर इसी से निकल के आती है। तो डाइवर्सिटी को अगर अल्टर किया जाए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यूनिफाइंग का जो मैसेज जा रहा है कि पीपुल को, कम्युनिटी को, परंपरा और लैंग्वेज को हम एक यूनिटी में, एक धागों में पिरो देंगे, तो ये बहुत सही चीजें नहीं है। ये यूनिक इंडियन कैरेक्टर डाइवर्सिटी की निशानी दिखा रहा है। अगर बात करी जाए वन नेशन वन इलेक्शंस वन एजेंडा की, तो वन नेशन वन टैक्स तो सही है, वन नेशन वन राशन कार्ड भी लगभग सही है, लेकिन वन नेश ही बना देना, एक ही सब चीज में कर देना, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज को एक ही बना दिया जाए तो ये नहीं। इसका मतलब क्या है, इतनी सारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं देश में, इतनी सारी स्टेट के मिनिस्टर हैं देश में, इतनी सारे लोगों को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, इतने सारे लोगों को इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल चार्ज दिया गया है, तो सबको एक कर दीजिए, तो क्या ये संभव है? तो ये भी चीजें संभव नहीं है। इसी तरीके से वननेस की भी बात अगर बोली जा रही है, तो ये यहाँ पे निकल के आ रही है, लोगों की एस्पिरेशंस, डिमांड कैसे निकल के आएगी रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो चीजें यहीं पे बहुत सारी इशू निकल के आ रही हैं। देखिए इलेक्शंस में खर्चे तो होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3,000 करोड़, 4,000, 10,000 करोड़ रुपए के अगर खर्चे हो रहे हैं आपके 5 साल के अंदर, तो ये कोई बहुत बड़ी एक्सपेंडिचर नहीं है। एक वोटर पे 10 रुपए 15 रुपए ही निकल के आते हैं, कोई बहुत बड़े एक्सपेंडिचर नहीं है अगर इसको कंसीडर करेंगे आप ब्रॉड लेवल पे तो। लेकिन खर्चों को कंसीडर करके आप इन मुद्दों से हट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर भी निकल के आ रहा है। तो फेडरल कैरेक्टर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अगर ब्रिज करती है तो चीजें कैसे यहाँ पे पॉसिबल हो पाए, यही सारी चीजें यहाँ पे मुझे बतानी थी। आशा करते हैं चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। वन नेशन वन इलेक्शंस एजेंडा जो अभी चल रहा है किस प्रकार से हैम्पर कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की। अच्छा मेरा क्वेश्चंस ये है, इलेक्शंस को किस पार्ट में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के, आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। डोमेस्टिक डिस्ट्रेस की अब बात करी जा रही है, एक नया आर्टिकल है उसको हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है, जो वुमेन है उनको यहाँ पे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यहाँ पे 10 सितंबर को मनाया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यह इनिशिएटिव 2003 से लिया गया है कि इसको हम सेलिब्रेट करेंगे क्या, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को, इस चीज को कम करने के लिए। तो जो सोशल स्टिग्मा है और
हाइटेन अवेयरनेस है, ये कहीं ना कहीं इसको हम बढ़ाएंगे और सोसाइटल स्टिग्मा को हम कम करते हुए नजर आएंगे। थीम की बात करी जा रही है 2021 से, तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस, ये इसका थीम रखा गया है। इसका उद्देश्य लोगों को इंस्पायर करना, किस प्रकार से मेजर्स उसको रोका जाए, जो जो इश्यू निकल के आ रही है उसको रोकने की बात बोली जा रही है। तो जो सुसाइड है वो हाउस वाइफ ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। फ्रिक्वेंटली ये चीजें, ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जो ट्रेंड है वो सच में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैप की सहायता से देखेंगे किस प्रकार से डोमेस्टिक डिस्ट्रेस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जो हाउस वाइफ है, टोटल फीमेल सुसाइड की बात करी जा रही है 50% सेवरल ईयर्स यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो 2021, 20, 19 की अगर आंकड़ों को देखें तो 45 ईयर्स, 45,000 के आसपास यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो 51 के आसपास यहाँ पे चली, देखिए ये वाला जो आंकड़ा है 2018 में 54% के आसपास हाउसवाइफ ने सुसाइड किया था। लेकिन 30% ऑफ ऑल सुसाइड की अगर बात करें, जो कि मेन और वुमेन यहाँ पे हैं, वो आपके फैमिली मैरिज को लेकर के यहाँ पे चीजें चली हैं। तो सबसे ज्यादा जो चीजें चली हैं 2021 में, 38% फैमिली इशू को लेकर के, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के सुसाइड हुआ। 1849 तक की बात करी जाए, जो मैरिड वुमेन है यहाँ पे, वो अपनी इशू यहाँ पे वुमेन हेल्थ वाली जो इशू है, वेल्थ क्विंटिल्स, उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे कम है, सेकेंड, मिडिल, फोर्थ, थर्ड, यानी वेल्थ के अनुसार जो पुअर हैं, जो रिच हैं, उसके अनुसार घटती बढ़ती रह रही है। ये सब चीजें चेंज हैं जो आपको आंकड़ा दे रहे हैं। तो ये मैन की है और इस प्रकार की चीजें चल रही हैं वुमेन को लेकर के। तो जो लोवेस्ट है वहां पे ज्यादा आंकड़े आपको दिख रहे हैं, और जो हाइएस्ट है वहां पे जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पावर है, तो यहाँ पे कम दिख रहा है। चौथा टेबल जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 35% जो मैरिड वुमेन है वो पुअरेस्ट हैं हाउस होल्ड, और वही ये सब चीजें एब्यूज फोकस कर रही हैं। तो ये यानी इन्हीं को फेस करना पड़ रहा है। फिजिकल और सेक्सुअल इमोशनल वायलेंसेस 35%, 32% सेकेंड लेवल पे चीजें हैं। वहीं पे 40% ऑफ द मैरिड वुमेन जो पुअरेस्ट हैं वो यहाँ पे फेस करती हुई नजर आ रही है। तो 46% आ जाता है लोएस्ट लेवल पे। सोचिए किस प्रकार से अगर डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आपको डोरी आ जाएगा, फिर किसी भी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट आ जाएगा, किसी प्रकार से वहां पे वुमेन का हरासमेंट आ जाएगा, उनका एक्सप्लाइटेशन आ जाएगा, किसी भी प्रकार से हम उसको मारते पीटते हैं वो सब चीजें भी आ जाएंगी। तो सारी चीजों को कंसीडर करके यहाँ पे निकाला जा रहा है। उनकी फ्रीडम, ऑटोनॉमी, लिबर्टी, ये सब चीजें भी आ जाएंगी जो कि इशू निकल के आ रही है। न्यूज और फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो आपके अल हौज प्रोविंस, ये कहाँ पे है, मोरक्को में है, ये एपी सेंटर था, और एपी सेंटर यहाँ पे जो है कम से कम 2,000+ लोगों की यहाँ पे डेथ करके लेकर चला गया। तो 6.8 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे भूकंप आया आपके मोरक्कोस में, जो मराकेश के आसपास जो टूरिस्ट हब है वहाँ पे चीजें आई, कई सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। तो एटलस जो रेंज है इसी के आसपास ये चीजें हुई हैं जो कि 6.8 मैग्नीट्यूड का है। तो अभी तक रिसेंटली अगर बात करी जाए 2,000+ लोगों की डेथ हो चुकी है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेव लेवरो, इन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन की प्रशंसा करती हुई नजर आई और माइलस्टोन इन्होंने बताया है। वहीं पे यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री बनाने की एजेंडा रखे हुए थे, लेकिन इंडिया जो है यहाँ पे अपना न्यूट्रल रोल प्ले किया है और यहाँ पे बढ़ाई भी इंडिया की ये करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सेल्फ डिफेंस फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स, ये लोग क्या किए हैं, तो एक प्रकार से कोऑपरेटिव रिलेशंस की बात करी जा रही है। जो किशिदा हैं, जो जापान के पीएम हैं और इंडिया के, इन दोनों में कहीं ना कहीं FOIP को लेकर के, ये क्या है, तो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर के दोनों कंट्री जापान और इंडिया यहाँ पे स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से इसको इंडो ओशियंस को फ्री किया जाए, क्योंकि चाइना का देखिए इंटरवेंशंस इस जोन में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या चीजें निकाल कर आया, तो सरकमस्टांशियल एविडेंसेस हैं किस चीज को लेकर के, कि जो दो टाइगर की डेथ हुई है कहाँ पर, तो आपके
नीलगिरी रिजर्व में यहाँ पे तो दो टाइगर की जो डेथ हुई है बताया जा रहा है वहां पर, ये पॉइजन की वजह से हो सकती है मौत। तो याद रखिएगा तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे इस प्रकार की एविडेंस देती हुई नजर आ रही है कहाँ पे डेथ हुई है, तो नीलगिरी में तमिलनाडु में हुई है। आर्म्ड मैन जो यहाँ पे मणिपुर में तैनात है, जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात है, दूसरे लोग जो वहाँ की एथनिक कम्युनिटी है वैसे ही वेशभूषा बना करके अपना कपड़े पहन करके गन लेकर के पहुंच जा रही है और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स पे ही अटैक करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मणिपुर जो है आपका म्यांमार से बॉर्डर टच करता है, ये सारी की सारी इश्यू जो है एक चीज को निकल के लेकर के आई है, एक है कुकी ग्रुप एक है मिताई ग्रुप, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया सिक्स शेड्यूल को लेकर के। तो जो ये दोनों ग्रुप है, कुकी ग्रुप को सिक्स शेड्यूल में ऐड किया गया है, हालांकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है लेकिन मिताई ग्रुप यहाँ पे मेजोरिटी में है और ये हिंदू कम्युनिटी को रिजेंबल करती है, ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी ही इससे जुड़े हुए हैं, तो और भी सारे कम्युनिटी हैं लेकिन ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी हैं। तो यहाँ पे सारी इशू सिक्स शेड्यूल में जाने के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी, जैसे कि आप सिक्स शेड्यूल में अगर नहीं है तो आपके पास वहाँ लैंड परचेजिंग एक निश्चित एरिए तक ही सीमित है, आप मणिपुर में हर जगह पे लैंड नहीं खरीद सकते। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ ही साथ जॉब में चीजें नहीं ले सकते, रिजर्वेशन एजुकेशन में जॉब्स में नहीं ले सकते, स्कीम की बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल पाएगी आपको, लोन की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये सारी की सारी लूप होल्स हैं। यार्गोज लैंथिमोज और ईमा स्टोन्स की जो पुअर थिंग्स है ये कहीं ना कहीं 80वां अगर बात करी जाए एडिशंस की, वेनिस फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे शुरुआत हुई है, उसकी टॉप विनर ये रहे हैं। तो याद रखिएगा अमेरिकन टीनेजर कोको गॉफ यहाँ पे जिनका नाम अभी बताया, वो अभी यूएस से निकल के आई हैं और ये क्या जीतती हुई, तो ग्रैंड स्लैम फर्स्ट टाइटल अपने जीवन का नजर आ रही है। किसको हरा के? बेलारूस को, आर्याना को हरा करके कोको ने जीत लिया है। याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ये मात्र 19 साल की एक महिला है। समिट यहाँ पे कंक्लूड होता हुआ नजर आया, मोदी यहाँ पे कंक्लूड करते हुए नजर आया, सभी के सभी यहाँ पे जो भी डेलीगेट आए हुए थे वो गांधी मैदान में यहाँ पे पहुंचे, गांधी जी के स्थल पे, तो राजघाट में पहुंचे हैं, लोगों ने यहाँ पे गांधी जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट भी दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें भारत के लिए जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है। चंद्रबाबू नायडू के लिए यहाँ पे कोर्ट में 14 दिन की जुडिशियल रिमांड हो गई है कि इनको स्किल डेवलपमेंट स्कैम को लेकर के करप्शन केस में यहाँ पे रखा गया है, पकड़ा गया है, जिसके कारण देखते हैं क्या क्या आगे चीजें निकल के आती हैं। इंडिया जो है अपना G20 समिट यहाँ पे अच्छे से सक्सेसफुली फिनिश करके, जो ये गैवल है, गैवल क्या होता है, जो ये हथौड़ा होता है इसी को गैवल बोलते हैं, ये गैवल अब लूला डी सिल्वा को दे रहे हैं, ये लूला डी सिल्वा ब्राजील के लीडर हैं याद रखिएगा। तो अब ब्राजील जो है G20 का मेजबानी कर रहा है। अच्छा एक चीज और है, ट्रायका जो है, ट्रायका में अब कौन कौन आ जाएगा, तो अब इंडिया आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा और साउथ अफ्रीका आ जाएगा। इंडिया, ब्राजील, ब्राजील के बाद जो G20 करेगा वो कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया जो है हैंडओवर किया है ये गैवेल, तो याद रखिएगा ये जो गैवेल है ये G20 प्रेसिडेंसी को रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको लूला डी सिल्वा को देता हुआ नजर आ रहा है जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम तो बहुत ही फेमस हो गया क्योंकि भारत के कई सारे मंदिरों में भी विजिट कर चुके हैं, और इनकी वाइफ जो कि अक्षता मूर्ति इनका नाम है याद रखिएगा, और ये अक्षरधाम टेम्पल यहाँ पे विजिट किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अक्षरधाम टेम्पल में किसकी स्टैचू की पूजा होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो याद रखिएगा 45 मिनट टेम्पल में इन्होंने प्रेयर किया और गुजारा ये लोग स्वामी नारायण अक्षरधाम। तो यहाँ पे उनका जो है बचपन का क्या नाम था स्वामी नारायण का, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। यूक्रेन जो है यहाँ पे नॉट अ वेज इशू बिटवीन वेस्ट एंड ग्लोबल साउथ G20, ये वीडन जो है G20 से सीधे कहाँ निकल के चले गए, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये चले गए वियतनाम के हनोई में और वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, ये क्या चीजें बोलते हुए नजर आ रहा है कि जो इन्वेजन है
यूक्रेन पे ये कहीं ना कहीं गैप्स करता हुआ नजर आया, और रसिया चाइना की जो प्रेजेंस थी G20 समिट में वो भी चीजें नहीं हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जापान यहाँ पे बहुत उत्सुक है कि डिफेंस की जो टाई है इंडिया और जापान के अंतर्गत ये चीजें हों, जो कि निकल के आती हैं साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में किस प्रकार से टैकल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे चाइना का जो दबदबा है वो अलग अलग कंट्री में यहाँ पे निकल के आता है। उसका बाउंड्री जो है एक रीजनेबल 17-18 कंट्री से टच कर रही है, लेकिन अगर बात करी जा रही है उसका डिस्प्यूट की तो उसका डिस्प्यूट 22 प्लस कंट्री के साथ चलता है। तो सोचिए इस प्रकार की चीजें हैं, वो जिससे बाउंड्री टच करता है उससे तो है ही, जिससे बाउंड्री नहीं भी टच करता है उससे भी उसका बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो ये इस प्रकार की नेचर है उस कंट्री के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि नथिंग हिंदू इन बीजेपी एक्शंस, यानी बीजेपी एक्शंस कोई भी ऐसा कार्य कर रही है उसमें हिंदुत्ववाद बिल्कुल भी नहीं है, बस वो पावर लेना चाहते हैं, ऐसा राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पर ये पेरिस में अभी पहुंचे हैं, इनाल्को यूनिवर्सिटी, वहां पे स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ये फोर्सेस जो हैं और टैंक यूएस ये कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं आपके बयांगुंग में। तो यहाँ पे ये अपने ड्रिलिंग कर रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे चाइना का जो अग्रेशन है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएस के, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया के और अदर एलाइड फोर्स ये यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किस प्रकार से कैपेबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी को ये जावा यानी इंडोनेशिया में वहां पर ये एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। तो आइलैंड ऑफ जावा काफी इंपॉर्टेंट है, 2 वीक की कॉम्बैट एक्सरसाइज है, पूछ सकता है कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है। तो बंगयांगी एक जगह है ईस्ट प्रोविंस, ये यहाँ पे शुरू हुआ है याद रखिएगा। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिस, यानी एक मेल है और दूसरी फीमेल है। तो मेल और फीमेल के यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो जो मेल है फीमेल से प्रॉमिस करता है कि मेरे से शादी करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, घबराओ मत, और उसके साथ इस प्रकार की डिसीटफुल मीन्स यानी धोखा दे करके आपस में दोनों संबंध बना लेते हैं, जिसके कारण बाद में ये चीजें रेप में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है वो बाद में, मान लीजिए मेल या फीमेल ये तो दोनों के कंडीशंस में होता है, लेकिन इन्होंने मेल को ही कोट किया है। तो यहाँ पे जो मेल जो है बाद में क्या कह रहे हैं, तो बाद में जो है क्विट कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रेप के बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस को भी यहाँ पे लीगल चीजों में डाला गया है। 69 सेक्शंस जो है यही भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 का यही चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो सेक्स संबंध की बातें बोल रहा है, ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ये एक ऑफेंस है, ये एक गुनाह माना गया है। तो सारी चीजें हैं डिसीटफुल मीन से अगर कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ पे इसको कंप्लीट ऑफेंस माना जा रहा है। 2016 की बात करी जा रही है तो जो रेप केसेस हैं दिल्ली में वो फॉल्स प्रॉमिसेस के यहाँ पे बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं महिलाओं के और मैन की, इन दोनों के बीच के इस प्रकार की केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। तो क्या है ये स्टॉर्म 0558? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस जो ग्रुप है वो यहाँ पे सीधे सीधे चाइना को क्लेम कर रहा है कि जो स्टॉर्म 0558 है ये चाइना बेस्ड थ्रेट एक्टर हैं, यानी कहीं ना कहीं ये साइबर थ्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिसके कारण ये जासूसी करने का इन पे आरोप लगा रहा है कौन, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है इन्हीं चाइना पे कर रही है। हालांकि क्लेम की बात सीधे सीधे चाइना यहाँ पे काटता हुआ नजर आ रहा है, बोल रहा है कि ऐसी चीजें तो अमेरिका करता है, सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, हम चाइना नहीं करते। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं दोनों कंट्री में और एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट पे आरोप भी लगा रही है। तो याद रखिएगा काफी न्यूज में आ गया है स्टॉर्म 0558 क्या है। तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी बीच यानी स्पाइंग का कार्य कर रहा है ये बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है इस प्रकार की चीजें।
कैवेलरी एक रिवर है जो कि रिवर इन वेस्ट अफ्रीका में और ओरिजिनेट होती है माउंट निम्बा इन गुनिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये गिनिया और ये कोट डी एवेर और जिवेदी के होकर के लिबेरिया में बहती है। पुनः ये कोट डिवेर की बॉर्डर टच करती है, यानी बाद में और पुनः दोनों तरफ से आ जाती है और ये जाकर के मिल जाती है गिनिया में। यानी माउथ यही है जो यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया की बात बोली जा रही है। यह फॉर्म करती है साउदर्न 2/3 ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है यहाँ पे, तो लिबेरिया कॉट डी एवर 515 किलोमीटर के डिस्टेंस लॉन्गेस्ट लिबेरिया की रिवर मानी जाती है। माउथ इसकी गल्फ ऑफ गिनिया है, तो यही गल्फ ऑफ गिनिया है जो रिवर आकर के यहाँ पर मिल जा रही है। तो आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।